नमस्कार, आप सुन रहे हैं रफ्तार और हम हाजिर हैं सुबह की 10 बड़ी खबरों के साथ। सूत्रों के मुताबिक भारतीय टीम कल शाम दिल्ली पहुंच सकती है। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंचे। ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के अध्यक्ष नसरुद्दीन चिश्ती ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, इस्लाम में अभय मुद्रा का जिक्र नहीं है, राहुल गांधी को अपना बयान ठीक कर लेना चाहिए। लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा कल सदन में दिए गए भाषण के कई हिस्से हटा दिए गए। बिग बॉस और टीटी 3 से बाहर होने पर पायल मलिक ने कहा, मेरे साथ अनुचित हुआ है। राजस्थान के करौली में ट्रक और बोलेरो भिड़े, हादसे में 9 लोगों की मौत। सलमान खान केस में चार्जशीट दाखिल, सिद्धू मूसेवाला की तरह ही भाईजान को मारने का प्लान, पाकिस्तान से मंगाए गए हथियार। भारत के दुश्मनों को पालना पाकिस्तान को पड़ा महंगा, जेल तोड़कर फरार हुए आतंकी अपने साथ 18 कैदियों को भी भगाया। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं चलेगा चुनावी नतीजों को पलटने का केस। वहां वर्ल्ड कप विजेता टीम बाराबाडोस में फंसी, यहां कोच लक्ष्मण के साथ जिम्बाब्वे रवाना हुई टीम इंडिया। तो ये थी सुबह की 10 बड़ी खबर।